अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है जिसकी पहुंच असम तक है। इतना ही नहीं, शेख रशीद कहते हैं कि इन परमाणु हमलों में मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। शेख रशीद ने कहा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग होती है तो ये खूनी और आखिरी जंग होगी। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान ने अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इमरान खान के मंत्री ने कहा कि हमारा हथियार मुसलमानों की जिंदगियों को बचाते हुए असम तक टारगेट कर सकता है। शेख रशीद ने पहली बार ये धमकी नहीं दी है, इससे पहले भी कई मौके पर वह इस तरह का बयान दे चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भी भारत का नाम लिए बिना परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। शेख रशीद ने कहा कि अब जंग परंपरागत तरीके से नहीं होगी बल्कि परमाणु युद्ध होगा। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद कहते हैं कि अब ऐसा युद्ध नहीं होगा कि 4-6 दिन तक टैंक तोपे चलेंगी, जबकि सीधे परमाणु जंग होगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।